कृति मेरे को मैंने रख दिया है। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो है फ्लॉलेस मेकअप। आप कैसे फ्लॉलेस मेकअप, नेचुरल मेकअप, जैसे कोई मेकअप कर ऐसा ना लगे कि मैंने मेकअप ढेर सारा थोप थोप के लगाया है, लेकिन बिल्कुल नेचुरल मेकअप, और क्यों मतलब बिल्कुल जल्दी तरीके जल्दी से हो जाए ऐसा मेकअप बताऊंगी। तो फ्लॉलेस मेकअप बताऊंगी जो बिल्कुल मेकअप किए हो, अभी लगे ना कि मेकअप किया हुआ, आपका स्किन जो है बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे। और कैसे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज किया कर सकते हो, आप किस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करके आप मेकअप फ्लॉलेस कर सकते हो, वही वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आप मेकअप करने से पहले अपने फेस को जैसे कि अच्छा से फेस वॉश करना है, तभी जाके मेकअप स्टार्ट करोगे आप। ऐसा नहीं कि आप, बहुत लोग सोचते हैं कि घर में है तो घर में थोड़ी गंदा होता है, गंदा तो होता नहीं है, बाहर तो गया नहीं गंदा नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में रहने पर भी आपके फेस पे धूल कण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले सबसे पहले पहला स्टेप है फेस वॉश करना। आप अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन क्लीन करना है आपके फेस को, ताकि आपके जो फेस में जितने भी डस्ट होते हैं, घर में रहने से ऐसा नहीं, घर पर रहने से फेस में डस्ट नहीं जाते हैं, उसमें भी फेस में डस्ट जाते हैं, ऐसे में भी घर में भी जाते हैं। तो अच्छी तरह से आप क्लीन कर लोगे फेस को, ताकि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद से आप फेस का सीटीएम करोगे, यानी कि पहले आप, सॉरी, फेस सीटीएम पहले नहीं करोगे, पहले आप फेस पे कोई भी फेस पैक लगा लो, फेस मास्क लगा लो, ताकि आपका स्किन जो है बिल्कुल तरह से ये क्लीन हो जाए, आपका पोर्स जो बिल्कुल तरह से क्लीन हो जाए। तो फेस पैक लगा लोगे या फिर कोई फेस मास्क लगा लोगे अच्छे तरह से। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर, आप अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स है, इसके जो सभी से हट जाएंगे फेस मास्क लगाने से, थोड़ा हट जाएंगे, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, थोड़ा सा ग्लॉसी दिखेगा, थोड़ा सा फेस फ्रेश फ्रेश दिखेगा आपका फेस स्किन, तभी मेकअप आपका फ्लॉलेस दिखेगा। इस सारे स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फेस का सीटीएम करोगे, यानी कि पहले फेस पर टोनर लगाओगे, अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप फेस पर टोनर लगाओगे, और फिर सीरम लगाओगे। अगर आपका स्किन ड्राई नहीं है तो सीरम सिर्फ लगाओ, अगर ड्राई है तो फेशियल ऑयल भी आपको यूज करना, फिर सीरम ऑयल। उसके बाद से फिर मॉइस्चराइजर यूज करोगे अच्छी तरह से। और तो वही स्टार्ट करते हैं किस तरह से मेकअप करेंगे। आपका बेस जो है, कोई भी बेस लगाओ, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी बेस लगाओ, आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखा। तो अभी मैंने फेस वॉश करके सिर्फ आई हूँ और लिप बाम सिर्फ लगा, बाकी मैंने कुछ फेस पे नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये टोनर फेस पे लगा लूँगी। आप चाहे तो कॉटन में से भी डुबो के फेस पे लगा सकते हो, या फिर स्प्रे करके भी लगा सकते हो। मैं स्प्रे करके लगा रही हूँ। टोनर लगाने का आपका जो फेस है, आपका पोर्स जो मिनिमाइज हो जाता है, और पोर्स आपका अच्छी तरह से क्लोज हो जाता है। और आपका फेस जो है हाइड्रेट हो जाता है। तो ये मैंने टोनर अप्लाई कर लिया फेस पे। अब मैं फेस पे सीरम लगाऊंगी। ये मेरा सीरम है, रोज हिप्स का सीरम है, काफ़ी अच्छा सीरम है, मेरे स्किन को काफ़ी अच्छा सूट करता है। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आप सीरम लगाओगे फेस पे। तो देखिए मैंने सीरम अप्लाई कर लिया। अब मैं, मेरा स्किन, आपको, आप लोगों को पता है कि मेरा स्किन ड्राई है। अगर आपका नॉर्मल स्किन है या फिर आपका ऑयली स्किन है, तो आपको फेशियल ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फेस ड्राई है तो आपको फेशियल ऑयल भी लगाना ज़रूरी है। तो ये मेरा है फेशियल ऑयल। अब मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मैं मॉइस्चराइजर है, ये गर्मी में ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइजर का। अगर आपका स्किन ऑयली है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको है, लेकिन ज़रूरत है तो हल्का फल लगा लीजिएगा। ऑयली स्किन नहीं, नॉर्मल स्किन लगा सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वाले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप, ये भी स्टेप बहुत ज़रूरी है।
तो ये भी स्टेप हो गया मेरा। मॉइस्चराइजर भी मैं लगा ली फेस पे अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर, यानी मेकअप से पहले प्राइमर लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके बेस को जो फ्लॉलेस तो बनाता है, ये साथ साथ ही आपकी स्किन को भी सुरक्षा करता है। आपकी स्किन को लेयर सा बनाता है, जिससे आपकी स्किन मेकअप और स्किन के बीच एक लेयर सा बनाता है जो आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। तो इसके लिए प्राइमर लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो चलिए प्राइमर बस थोड़ा सा लगाना है, देखिए बस थोड़ा सा आपके पोर्स को क्लोज करता है ये। मैंने प्राइमर लगा लिया, इसके एक सेकेंड के लिए छोड़ देंगे ताकि हल्का सा ये ड्राई हो जाए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी कलर करेक्टर, यानी कि सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करूंगी। ये आपके अनइवन स्किन को इवन करता है, जैसे कि फोरहेड यहाँ का स्किन और आपके डार्क सर्कल को हाइड करता है। तो यहाँ का स्किन थोड़ा अलग, यहाँ देखिए फोरहेड का स्किन बिल्कुल थोड़ा अलग है। ये सभी को हाइड करेगा तभी आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस दिखेगा। तो मैं एक ब्रश के हेल्प से देखिए, ये भी स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहाँ का स्किन जो होता है थोड़ा सा डार्क सर्कल यहाँ पे होते हैं, मेरे ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़े बहुत हैं। यहाँ का स्किन मेरा अनइवन दिख रहा है, देखिए इवन नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ का स्किन अलग, यहाँ के अलग दिख रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई कर दिया, यहाँ का स्किन और यहाँ पर स्किन। बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जो स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी का मतलब इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप को फॉलो करना और अच्छा से ध्यान से आप लोग देखिए, ब्यूटी ब्लेंडर। इसके लिए मैं क्या करूँगी, बहुत लोग होते हैं कि ऐसे लेते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे देखिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे करने से बिल्कुल भी आपका मेकअप जो फ्लॉलेस अच्छे से ब्लेंड आउट होगा ही नहीं, देखिए होगा ही नहीं, ऐसे ड्राई से होगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक बॉल में पानी लोगे और इस ब्लेंडर को उसमें डुबो दोगे, एक मिनट के लिए डुबो कर रखोगे। देखिए जितना बड़ा ये था ना उससे जस्ट दुगुना ही हो जाएगा, देखिएगा अच्छे से ये पानी इसमें सोख लेगा, देखिएगा और कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे पानी में डुबो देंगे, अच्छी तरह से सोक करेंगे, देखिए देखिए। अब देखिए ये देखिए कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया, देखिए साइज इसका, देखिए साइज कितना छोटा था बड़ा हो गया। अब अच्छी तरह से इसका पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, अच्छी तरह से निचोड़ना है ऐसे। अब चाहे तो इसे एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए किसी टॉवल से ऐसे से अच्छी तरह से, अब देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, अब अच्छे तरह से ब्लेंड आउट होगा। आप देखिए दिखाती हूँ मैं, देखिए से मैंने जो लगाया था उसे अच्छी तरह से देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो गया, आप देख सकते हो। स्किन कलर का जो होता है आपकी स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लगा लोगे, क्योंकि मेरा स्किन जो अनइवन रहने से आपका स्किन पता नहीं चलता है कि शेड कौन सा वाइट वाइट सा दिखता है। इसलिए सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के और पूरे इसको इवन करके अब मैं अपने बिस्कुट
अपने स्किन से मैच करता हूँ मैं फाउंडेशन लगा लूँगी। देखिए अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करूंगी। इससे आप इसको घिसना नहीं है, डैब डैब बिल्कुल डैब डैब हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करने हैं। देखिए देखिए थोड़ा टाइम ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, शुरू शुरू में आपको ज़्यादा देर लगेगा, क्योंकि धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आप तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सबका सारा काम होता है। अभी भी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसी ब्लेंडर को मैं नेक पे, क्योंकि नेक और एयर को भी नहीं छोड़ना है ताकि एक इवन दिखे। अब इसे मैं बेकिंग करूँगी। ये मेरा बनाना पाउडर है, मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर है। देखिए आई के नीचे ताकि दिखे, हाइट पर हो जाए, तमिलनाडु हो, सब कुछ बिल्कुल मेकअप फ्लॉलेस इससे दिखेगा। अभी ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे नेक पे भी अच्छी तरह से बेकिंग करने से आपका जो मेकअप होता है जितना सेट हो जाता है, अच्छी तरह से सेट हो जाता है, एक्स्ट्रा नहीं रहता है। अब मैं आईब्रो को फिल नहीं करूँगी, मैं नेचुरल, क्योंकि मुझे फ्लॉलेस और नेचुरल मेकअप चाहिए, तो मैं स्पूली की हेल्प से, किसी की चीज़ यूज नहीं करूँ, इसी स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह से आईब्रो को ब्रश कर लूँगी। देखिए इसमें एक्स्ट्रा से पहले से थोड़ा बहुत लगा रहता है, तो उससे बिल्कुल नेचुरल शेप आएगा। देखिए नेचुरल दिखेगा ये। देखिए देखिए बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है। बिल्कुल नेचुरल मेरा आईब्रो बन गया, देख सकते हो आप लोग, तो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अब मैं, आप चाहे तो कंटूरिंग कर सकते हो, कंटूरिंग मेरा फिर थोड़ा भरा, कंटूरिंग ब्रश, तो मैं क्या करूँगी, कंटूरिंग कर लूँगी, मैं हल्का सा पाउडर कंटूरिंग कर लूँगी। मैंने देखिए आप चाहे तो ब्लशर यूज कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा में जो है
उस पाउडर को मैं अच्छी तरह से डस्ट आउट कर लूँगी। नेचुरल मेकअप के लिए कोई हाई आपको कोई भी एकदम डार्क लिपस्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हाई हैवी आई मेकअप करने की ज़रूरत है। लाइनर लगाओ, काजल लगाओ और एक लाइट लिपस्टिक लगा लो, आपका मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है, फ्लॉलेस मेकअप दिखेगा आपको बिल्कुल। ये मैंने बस आई लाइनर लगाया, मेरा मेकअप कंप्लीट है। तो देखिए कितना फ्लॉलेस मेकअप दिख रहा है आपको, देखिए सकते कितना फ्लॉलेस दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल घंटी उसे भी हिट कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए, हाँ मेरा इंस्टाग्राम भी आपको फॉलो कीजिएगा, कीर्ति हेलो इंडिया, सॉरी मेरा इंस्टाग्राम है कीर्ति सेठ 313। तो आप लोग उसे भी वहाँ भी फॉलो मुझे कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो जो पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।